वर्ड्स नहीं है मगर फिर भी कुछ बोलना पड़ेगा कि पाखी जी ने अपना जो एक्सपीरियंस है और एज ए नॉन भोजपुरी होने के बाद जो फिल्म में काम किया है, पाखी जी सैल्यूट के लायक है। सैल्यूट है, मतलब 100 times सैल्यूट है पाखी जी को। और इस फिल्म को ऑस्कर बाद में दिया जाएगा, आज ही ऑस्कर के लिए अनाउंस कर देना। जो भी अवार्ड्स है वो इस फिल्म का है, चाहे वो दिया हो, चाहे वो बिटिया हो, चाहे वो माँ हो। माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट। पाखी जी, देखिए पाखी जी हिमसेल्फ, उन्होंने सेल्फ मेड है वो, और जो उन्होंने एक्टिंग दिखाई है वो दिख रहा है कि वो एक बेटी है, वो उनके ऊपर ये हुआ है, इस तरह से उन्होंने इसको दिखाया। इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स ओरिजिनल। वेरी गुड, पाखी जी को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जो फीलिंग्स इन्होंने इस फिल्म में दिया है, माइंड ब्लोइंग फिल्म है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। थैंक्स अ लॉट। पाखी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाखी जी वैसे तो बहुत अच्छी एक्टर, नो डाउट, इतना एक्सपीरियंस और इतना काम किया हुआ, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे? और इस फिल्म को देख के भी, मुझे पाखी जी की एक्टिंग देख के अब मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी पाखी जी जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाली है, और उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। आप मेरी ये बात याद रखना।